प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 35 साल बाद अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा करने की अपनी कसम पूरी करने वाले हैं। आखिर क्या है ये कसम और इसका क्या है इतिहास? जय जय श्री राम, 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 जय जय श्री राम। अडवाणी जी तुम आगे बढ़ो। जानते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, आप देख रहे हैं राम मंदिर का निर्माण भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय है जिसके लिए लाखों राम भक्तों ने अपना बलिदान दिया है। इस मुद्दे को लेकर देश में कई विवाद और दंगे भी हुए हैं जिसमें कई लोगों की जान भी गई है। इस मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने 9 नवंबर 2019 को एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया जिसमें विवादित 2.7 एकड़ जमीन को राम मंदिर निर्माण के लिए सरकार द्वारा गठित ट्रस्ट को सौंप दिया गया। इसके बाद 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में राम मंदिर का शिलान्यास किया और राम जन्मभूमि को एक भव्य और आधुनिक मंदिर का तोहफा दिया। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अयोध्या से एक गहरा रिश्ता है जिसका सबूत 32 साल पहले मिलता है। 14 जनवरी 1992 को जब मोदी अयोध्या पहुंचे थे तो उन्होंने ये कसम खाई थी कि वे तब तक वापस नहीं आएंगे जब तक राम मंदिर का निर्माण नहीं हो जाता। उस समय वे जनसंघ और भाजपा की ओर से कश्मीर से कन्याकुमारी तक एकता का संदेश देने वाली एकता यात्रा का हिस्सा थे। उन्होंने जय श्री राम के नारे लगाए और तब एक अस्थाई तंबू में रहने वाले रामलला की पूजा की। मीडिया ने उस पल को कैद किया जब मोदी ने ये घोषणा की कि वे तब तक वापस नहीं आएंगे जब तक राम मंदिर बनकर तैयार नहीं हो जाता है। इस ऐतिहासिक अवसर का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और लोगों ने इसे एक अद्भुत पल के रूप में बताया। इस पोस्ट में ये भी बताया गया है कि कैसे मोदी के नेतृत्व में भारत का एकीकरण कश्मीर के साथ हुआ जब धारा 370 को 2019 में रद्द किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी कसम को पूरा करने का पहला कदम 5 अगस्त 2020 को राम मंदिर के शिलान्यास के रूप में उठाया जब उन्होंने राम के जन्म स्थान माने जाने वाले स्थान पर एक भव्य मंदिर के लिए नींव रखी। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए 22 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में अपनी 32 साल पुरानी कसम को पूरा करेंगे जब वे रामलला की मूर्ति को नव निर्मित राम मंदिर में स्थापित करेंगे और वहां भगवान राम का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। इससे पहले उन्होंने अयोध्या के विकास के लिए कई योजनाओं का शुभारंभ और उद्घाटन किया जिनमें अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन, महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वंदे भारत और अमृत भारत ट्रेनें, लता मंगेशकर चौक, राम की पैड़ी, राम कथा पार्क, राम की नगरी थीम पार्क, राम जन्मभूमि ट्रस्ट भवन, राम की नगरी आश्रम, राम की नगरी विश्वविद्यालय, राम की नगरी अस्पताल और राम की नगरी आधुनिक बस अड्डा जैसी योजनाएं शामिल है। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि पीएम मोदी ने राम की नगरी को एक नया रूप दिया जो भारत की महान सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और राष्ट्रीय विरासत को प्रतिबिंबित करेगा और देश को विश्व के मानचित्र पर एक नई पहचान दिलाएगा। इस तरह पीएम मोदी ने राम की नगरी को एक राम राज्य का स्वर्णिम अध्याय बनाया जो लोगों को राम के चरणों में शांति, सुख, समृद्धि और समानता का अनुभव कराएगा। आज के लिए इतना ही। बाकी और खबरों के लिए जुड़े रहिए एयरपोर्ट के साथ।